मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुत्तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। चार धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता।